टा हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये है नाइट टाइम जो मैं कर रही हूँ आज, है रोलिंग मीन्स ये है ट्यूसडे का नाइट। और मुझे वेडनेसडे करना था, मीन्स कल मॉर्निंग में करना है हेडवाश। तो मैं आज ऑयलिंग कर रही हूँ। आप लोगों को दिखाया कि वो है मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल के साथ तो मैं कभी कभी ऐसे ऑयलिंग कर लेती हूँ और बहुत अच्छा होता है। आपको हेयर स्पा जो है ना वो मिल जाता है। और इसको अभी मैं ट्राई करके रख दूंगी और नेक्स्ट देखेंगे मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हो चुका है मॉर्निंग टाइम और करण जा चुके हैं। मैं यहाँ पे करूँगी बाथरूम क्लीनिंग, क्योंकि जब भी मैं हेयर वॉश करने के लिए जाती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसे क्लीनिंग कर लेती हूँ। बट ये बकेट मेरा ना बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। क्यों गंदा हुआ है वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगी। ये देखो, यहाँ पे ना पानी थोड़ा सा नमकीन आता है तो इसलिए ये जल्दी जल्दी ख़राब होता है। ये मैं मग को क्लीन कर लिया है, अभी मुझे टब को क्लीन करना है। चलो मैं दिखाती हूँ। ये लिया है एसिड, अभी मैंने इसको क्लीन किया। ये जो है ना, ये कोई पानी होता है ना, वो नमक वाला पानी आता है वो, ये जो मैं अभी इसको इससे साफ करूंगी, ठीक है। ये होता है, इसमें यहाँ पे होल करना पड़ता है। तो चलो मैं होल कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने होल कर दिया है। ये गैस ना बहुत बहुत खराब है। आप इसको मुंह में ढक लीजिए कुछ भी। और इसको ना हाथ से दूर रखो, ग्लोव्स पहन लीजिए कुछ भी, बट हाथ से दूर रखो। पहले ना इसको डाल दो अच्छे से, उसके बाद थोड़ा सा घिस दो तो हो जाता है। मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ, ठीक है। यह अपने आप ही क्लीन हो जाते हैं। ये फाइनल लुक जो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और ये भी बहुत कचरा हुआ था, यहाँ देख सकते हैं पूरे नीम पे जैसे हो जाता है। आप भी इस तरह से कर सकते हो, बहुत अच्छा है। और क्योंकि हम ना हाथ से घिसते हैं ना, वो थोड़ा सा तकलीफ देता है। टेक इट, थ्री कार्ड। What are you doing? जो स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग में सेकेंड, ओके नेक्स्ट। नंबर, व्हाट योर नंबर? 517. ओके, चलो नंबर लिखो। ओके, तो इसको करो 600 क्या? 6016. Yeah.
ओके फर्स्ट नंबर से योर नंबर्स 517 नेक्स्ट 942 162 अंडरस्टूड थोड़ा बहुत धूप है अभी पूरा छाँव नहीं हुआ है सो मैं थोड़ा टाइम वेट कर रही हूँ सुबह भी सोया है सो मुझे लगा कि थोड़ा सा धूप अभी कम हो जाए उसके बाद जाएंगे सो हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरनेट नगर शासनी सो फ्रेंड्स मैंने मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट किया है मॉर्निंग से सोचा था कि ब्लॉग को स्टार्ट करूँगी बट नहीं हो पा रहे मॉर्निंग में जितना सोचूंगी ना ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए नहीं हो पाएगा और अभी सुबह सोया है और मैं थोड़ा सा नहा लिया क्योंकि दोपहर में इतना गर्मी हो रहा है अब लोगों दिखाया कि धूप कितना कड़के अभी भी धूप है अभी बज चुका है 5 o'clock और नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी मुझे जाना है बाहर हाँ मीन्स एक फ्रेंड के घर में जाना है और आज का ब्लॉग में इतना कुछ नहीं था मैं कुकिंग भी शेयर नहीं लंच बहुत ही सिंपल था जो है आज मैं कढ़ी और राइस ही बनाया और कुछ भी नहीं बनाया मेरा पता नहीं मैं थक थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं आज हेड वॉश कर रही थी तो सोची कि थोड़ा सा क्लीनिंग भी कर लूँ काफ़ी टाइम से 2 weeks हो गया है मैं बाथरूम क्लीनिंग नहीं किया है मीन्स जो बकेट वगैरह है ना वो क्लीन नहीं किया था बाथरूम तो रोज़ जैसे मैं हेड वॉश करती हूँ 2-3 दिन में तो वो थोड़ा सा मार देती हूँ बट 1 week से मैं कुछ भी नहीं किया है क्योंकि मेरा हैंड पेन और लेग पेन दोनों चल रहा था और मेरा हेडेक भी हो रहा था वोमिटिंग हो रहा था इस वजह से ना इतना ध्यान नहीं दिया था बट आज मुझे हेड वॉश करना था तो मैं सोची कि 2-3 buckets जो है ना बाथरूम में उसको क्लीन करती हूँ और मॉर्निंग में टाइम नहीं होता है कि मैं ये सारे काम करूँ 9:30 को सुबह का क्लास हो जाता है तो 2 ही buckets क्या है मीन्स एक मग और एक टॉब बकेट है अभी बकेट को नहीं किया कल मैं कर लूँगी उसको ऐसा सोचा है एक एक करके इसको मैं फिनिश करूँगी और आप लोगों ने ऐसे सर किया कि मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ और जो हार्ड पिक वगैरह लगा के वो मैं नहीं करती मैं डायरेक्ट इसको डाल देती हूँ अच्छे से हो जाता है मेरा तो 1 week से चल जाता है एक बार क्लीन करूँगी तो हो जाता है बाथरूम भी मैं इस तरह से हार्ड पिक और एसिड डाल के ही करती हूँ जहाँ पे जिद्दी रहता है ना यहाँ पे ना नमक वाला पानी है तो अगर 1 week के अंदर इसको साफ नहीं किया तो वो थोड़ा सा जिद्दी सा हो जाता है और रूखा रूखा जैसा लगता है तो उसको ये डालना पड़ता है और छोटा सा क्लिप जो मुझे गांव से मिला था ना मैं सोची कि मैं बहुत बार सोची कि इसको शेयर करूं या नहीं करूं बट लगा कि नहीं करती हूं क्योंकि उसको लेके ना काफ़ी दिनों से मैं परेशान में हूं मैं क्या करण आई थिंक इसको लेके ही बोलो कि अलग से दुनिया में वो है कि घर टूट गया है जो हमारा सामने वाला मिट्टी का घर आप लोगों देखे हुए वो वीडियो में सामने एक छोटा सा चाली का घर है हॉट है और वो 1 side टूट गया है और इस पानी की वजह से क्योंकि
गांव में बहुत तेज बारिश हो रहा था। ये तो 5-6 दिन हो गया है मुझे वो क्लिप मिला था, और इस बीच तो बहुत कुछ हो रहा था, फास्टिंग वगैरह, तो मैं वो वीडियो की नहीं छोड़ पा रही थी, तो इसको कैसे मैं यह करूँ, तो ये रह गया था। तो और आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है जिस वजह से करण बहुत डिस्टर्ब है अभी, और मैं भी थोड़ा सा परेशान हूँ। जो चीज़ हमारे हाथ में अभी नहीं है, करण परेशान होते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि घर में कोई नहीं है, मम्मी और भाभी और बच्चे दो, और ये हालत में वहाँ पे वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे सोच सोच के ही परेशान हो जाते हैं इस वजह से। और काफ़ी दिनों से करण बहुत परेशान थे, और मैं सोच रही थी कि ऑफिस में कुछ हुआ है, ऑफिस में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम चल रहा है, और घर को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस संडे ही वो बात कर रहे थे अपने बहनों से, तो मैं वो नोटिस किया कि एक्चुअल में इनको ये परेशानी है मैं सोची कि उनको ऑफिस में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है जिस वजह से वो बहुत ही अपसेट रहते हैं, इस ऐसा हो जाते हैं, इंसान हो क्या, इंसान ये सब देखेगा और दूर रहता है तो वो ऑटोमेटिक परेशानी में होता है। और मैं ना इसी वजह से कम बात करती हूँ घर में, क्योंकि हमेशा बहुत सारा चीज़ सुन सुन के ना अच्छा नहीं लगता है, और कभी कभी मैं बोल देती हूँ कि कर क्या सकते हैं, हाँ पास में रहते तो हाँ कुछ हो जाता, बट घर में कोई नहीं है, और वो कुछ बोलते हैं ना बहुत बहुत दुखता है कि क्या करें। ये था छोटा सा जो मैं सोची कि आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं काफ़ी बार सोचती हूँ कि करूँ या नहीं करूँ, फिर पीछे हो जाती हूँ कि क्या करना यार, ये तो मेरा प्रॉब्लम है, बट सॉर्ट आउट ये सब ना नहीं हो पा रहे हैं, हम बहुत दूर है, और ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है ना कोरोना का, ये बहुत सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है, चाह के भी हम नहीं जा पा रहे, और पता नहीं ऐसा ना हो कि जाते जाते ही हमें कुछ हो जाएगा तो नेले पे दहला की तरह सिचुएशन हो जाएगा कि और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। मैं यहाँ पे ना सारा कुछ ऐसे शेयर नहीं कर पाऊँगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बट छोटा सा क्लिक था जो मैं सोची कि यहाँ पे शेयर करती हूँ और आप लोगों से थोड़ा सा बात करता हूँ। ये ज़्यादा जो है ना अभी टेंशन है कि घर टूट रहा है और सब परेशान है, पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है पता नहीं, सोचना ही छोड़ दिया है कि चलो जो भी होएगा देखा जाएगा, और बस ऐसे ही चलता है लाइफ, कभी खुशी कभी गम, और देखते हैं आगे क्या होएगा और क्या होने वाला है, जो भी होने वाला है बस अच्छा ही हो, ये प्रेयर है भगवान से कि सब अच्छा हो, पता नहीं। तो चलिए मैं ये ब्लॉग को ना एम पे एंड करती हूँ, और मैं जहाँ पे जाने वाली हूँ ना, मैं अगर वहाँ पे कुछ शूट किया तो आप लोगों से शेयर करूँगी, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आ जाएगा, और ये ब्लॉग को मैं एम पे एंड करती हूँ। मिलूंगी न्यू ब्लॉग और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और मैं चाहती हूँ अभी सुबह को उठा